दावे दावे पाओ से आए होले होले जिंदगी तो कमेंट्स ऐसे आए कि भाई इसको वो ही नहीं है बिल्कुल वैल्यू नहीं है पीआर कार्ड की पीआर कार्ड ही काट दिया इसने एवरीवन वेलकम टू टॉक्स कनाडा आई होप आप सब ठीक होंगे सो so, आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ हमारी लेटेस्ट अचीवमेंट मेरा कनेडियन पासपोर्ट आ गया so है सो मुझे कनेडियन सिटीजनशिप मिल गई है सो आज की वीडियो का टॉपिक यही है कि मुझे ये सिटीजनशिप कितने टाइम में मिली क्या क्या प्रोसेस होता है सिटीज़नशिप का सिटीज़नशिप लेने का फ़ायदा भी है या नहीं है क्योंकि बहुत से लोग ऐसे हैं जो पीआर तक ही रहते हैं उसके बाद अगला स्टेप नहीं लेते उनको लगता है कि सिटीज़नशिप हमें नहीं लेनी चाहिए डिपेंडिंग अपॉन वेरियस रीजंस उन चीज़ों की भी बात करेंगे सो ऑल इन ऑल अगर आप कैनेडा में हैं ऑलरेडी सिटीज़नशिप अप्लाई करना चाहते हैं प्रोसेस क्या है या फिर कैनेडा आने की सोच रहे हैं सिटीजनशिप के बारे में आप जानना चाहते हैं क्या फ़ायदे होते हैं और कुछ लोग सिटीजनशिप क्यों लेते हैं कुछ क्यों नहीं लेते वो सारी चीज़ें आज हम डिस्कस करेंगे चलो जी विदाउट एनी फर्दर डू लेट स्टार्ट द वीडियो सबसे पहले मैं आपको अपनी जर्नी बताती हूँ कि आ, मेरी सिटीजनशिप कैसे हुई सो so, ऑब्वियसली अगर आप मुझे शुरू से फॉलो करते हैं तो आपको पता होगा कि मैं कैनेडा में एज अ स्टूडेंट आई थी सो so स्टूडेंट मतलब स्टडी वीजा पे उसके बाद मैंने अपना वर्क वीजा लिया अपनी पीआर ली पीआर के बाद मैंने अपनी सिटीजनशिप अप्लाई की पहली जो रिक्वायरमेंट है इनकी वो है आपको यहाँ पे रेजिडेंसी होनी चाहिए जो आपकी वन जीरो नाइन फाइव एक हजार पचानवे दिनों की और लास्ट फाइव ईयर्स में लास्ट फाइव ईयर्स में आपको इतने दिन कैनेडा में रुकना है रहना है सो so, अगर तो आप पी आर आए हैं डायरेक्टली यहाँ पे तो आपको तो तीन साल यहाँ पे रुकना पड़ेगा फिजिकली डेज यहाँ पे ऐसा नहीं कि वो कॉन्टीन्यूस होने चाहिए कंटिन्यूस की जरूरत नहीं है सो so, अगर पी आर है तो आपको उतने दिन रुकना है अगर आप पी आर से पहले यहाँ पे आ गए हैं स्टूडेंट आ गए हैं या वर्क परमिट पे आ गए हैं तो आपके जो डेज हैं वो मैक्सिमम थ्री सिक्सटी फाइव डेज काउंट हो सकते हैं लेकिन एक दिन आपका आधा दिन काउंट होगा मतलब कि अगर आप दो साल एज अ स्टूडेंट टेम्पररी रेजिडेंट वीजा पे यहाँ पे है दो साल स्टूडेंट की तरह रहते हैं तो आपको या फिर वर्क परमिट पे भी तो आपको मैक्सिमम 365 डेज मिल जाएंगे तो आपके बाकी बचे हुए जो दिन बचे हैं वो आपको दो साल अप्रोक्सीमेटली बचे हैं सो तो दो साल आपको स्पेंड करने हैं एज अ परमानेंट रेजिडेंट तो आप उसके बाद अपनी सिटीजनशिप लगा सकते हैं तो ये सबसे पहली रिक्वायरमेंट है रेजिडेंसी की और ये बहुत जरूरी है आपके लिए ट्रैक करना कि कब आप कैनेडा से बाहर जा रहे हैं कब आप कैनेडा में वापस आ रहे हैं इसको फिजिकल कैलकुलेटर भी बोलते हैं तो ये जरूर कैलकुलेट कर लेना क्योंकि इन फ्यूचर जब आप सिटीजनशिप लगाओगे तो आपको जरूरत पड़ेगी बिफोर वी मूव फर्दर मेरे पास एक चीज है आपको रिकमेंड करने लिए अगर आप कैनेडा आ रहे हैं आप एक चीज़ जरूर लेके आना क्योंकि यहाँ पे आके आपको इस चीज़ का बहुत फायदा होता है वो है आपका कनेडियन सिम सबसे पहली चीज़ ये जो ऑफर आपको मिल रहा है वो आपको इंडिया में ज्यादा बेटर मिल रहा है आपको इंडिया में ये फ्री ऑफ कॉस्ट डिलीवर हो जाएगा सिम और आपको मिल रहा है फिफ्टी डॉलर में वन ट्वेंटी जी डेटा और फोर्टी डॉलर्स का अगर आप प्लान लेते हैं तो आपको हंड्रेड जी डेटा मिलता है यही नहीं इसमें कैनेडा वाइड कॉलिंग और टेक्सिंग तो इंक्लूडेड है ही इसके अलावा आपको यूएस रोमिंग और यूएस कॉलिंग भी मिल रही है कोई एक्टिवेशन चार्ज नहीं है जनरली कंपनीज यहाँ पे साठ डॉलर वो चार्ज कर लेती हैं वो आपके वहां पर जाते हैं और कोई भी यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट नहीं है और अगर आप सिम के साथ साथ फोन लेना चाहते हैं वो भी ऑप्शन इनके पास अवेलेबल है बहुत ही अच्छी अच्छी डील्स हैं सो तो आप लिंक पे जाके चेक कर लेना आई होप दिस हेल्प्स नाउ लेट्स मूव ऑन विद सिटीजनशिप उसके बाद दूसरी जो चीज है वो है आपके टैक्सेस ये बहुत जरूरी है तो मुझे तो लगता है ज्यादातर यहाँ पे लोग टैक्स भरते ही होंगे लेकिन अगर कोई कैश वैश पे काम कर रहा है तो बहुत मुश्किल है क्योंकि आपको टैक्स अगर आप भरेंगे ये एक वन ऑफ द रिक्वायरमेंट है सिटीजनशिप में थ्री इयर्स के आपके टैक्सेस की आपके पास स्टेटमेंट होनी चाहिए एनओए होनी चाहिए वो आपको चाहिए जब आप सिटीजनशिप अप्लाई करते हैं उसके बाद नेक्स्ट आपकी रिक्वायरमेंट है आपके सिटीजनशिप टेस्ट की अब हम जब प्रोसेस की बात करेंगे कि कैसे कैसे प्रोसेस चलता है तब मैं सिटीजनशिप टेस्ट के बारे में ज्यादा आपको बता दूंगी डिटेल में कैसे एग्जाम होता है एक छोटा सा एग्जाम होता है जो आपको पास करना पड़ता है जो कैनेडा के बारे में होता है सिंपल होता है घबराने की बात नहीं है लास्ट जो चीज आती है वो होती है आपकी लैंग्वेज रिक्वायरमेंट्स सो लैंग्वेज मतलब आपको आयल्स का टेस्ट भी देना पड़ सकता है जो कि उस केस में होता है अगर आपकी जो एजुकेशन है वो इंग्लिश और फ्रेंच में नहीं है अगर आपकी एजुकेशन इंग्लिश और फ्रेंच में है तब आपको एग्जाम देने की कोई जरूरत नहीं है मैंने कोई आयल्स का एग्जाम नहीं दिया सिटीजनशिप के लिए बस यही रिक्वायरमेंट्स है जो मेन आपको मीट करनी है अब बात करते हैं रिक्वायरमेंट्स आपने मीट कर ली अब आपने अप्लाई करना है सिटीजनशिप के लिए सिटीजनशिप को अप्लाई करना बहुत ही सिंपल प्रोसेस है आप गवर्नमेंट ऑफ कैनेडा की वेबसाइट पे जाना वहां पे सिटीजनशिप अप्लाई कर सकते हैं वहां

आपको टेस्ट क्लियर करना है ये ऑनलाइन टेस्ट होता है और इसके लिए आपको प्रिपरेशन करनी पड़ती है ये जो बुक है मैं आपको दिखा रही हूं। ये बुक आप फिजिकली भी ऑर्डर कर सकते हैं आ, कोई पैसे देने की जरूरत नहीं है फ्री में आप ये बुक जो है आपके घर पे आ जाएगी और आप इससे तैयारी कर सकते हैं और इसका ऑनलाइन वर्जन जो है वो डाउनलोड आप कभी भी कर सकते हैं वो भी आपको मिल जाएगा तो बहुत ही कलरफुल सी बुक है मैंने तो बुक इसलिए ऑर्डर कर ली थी क्योंकि इसमें पढ़ने में बहुत मजा आया था और ये भी काफी कम लोगों को पता होता है कि हमें बुक भी मिलती है सो ये बुक से आप तैयारी करेंगे बीस क्वेश्चन आते हैं ट्वेंटी क्वेश्चन थे और मेरे ट्वेंटी आउट ऑफ ट्वेंटी मार्क्स आए थे बहुत ईजी थे बट कुछ लोगों को ये डिफिकल्ट भी लगता है तो वही है कि तैयारी आप ऐसे करें अब तैयारी का मैं बता देती हूँ कैसे करनी है एक तो ये आपने बुक पढ़नी है बुक पढ़ने के अलावा आप यूट्यूब से तैयारी कर सकते हैं एक यूट्यूब uh, में वीडियो है जिसमें फोर हंड्रेड समथिंग क्वेश्चन है जो मैंने किए थे उससे काफी हेल्प हुई थी सो तो अगर आप वो क्वेश्चन कर लेते हैं फोर हंड्रेड फोर्टीन क्वेश्चन उससे भी आपका एग्जाम क्लियर हो जाएगा ट्वेंटी में से फिफ्टीन मार्क्स आपके मिनिमम होने चाहिए और अगर एग्जाम क्लियर हो गया फिर आपको साइड बाय साइड प्रोसेस आपका चलता रहता है और आपको बायोमेट्रिक्स की भी रिक्वेस्ट आ जाती है सो so, बायोमेट्रिक्स की रिक्वेस्ट में आपको फिंगरप्रिंट्स देने होते हैं अपने जाके दैट्स उसके बाद आपको सिंपल वेट करनी है कि कब आपको ओथ सेरेमनी आएगी वो so, पहले ऑनलाइन होती थी अभी इन्होंने पर्सन दोबारा से स्टार्ट कर दिया मेरी ऑनलाइन हुई थी सो so, जब मैंने किया था उसकी मैं वीडियो भी यहाँ पे डाल दूंगी तो तब वो आपको बोलते हैं अपना पी कार्ड कट करने के लिए तो पी कार्ड आपको अपना कट करना पड़ता है उनके सामने और मैंने जब एक टुकड़ा किया उन्होंने बोला ये अच्छी तरह से कटा नहीं है इसको दोबारा से और काटो तीन चार टुकड़े मुझसे उन्होंने कराए और मैंने ये वीडियो इंस्टाग्राम पे डाली और बड़ी मुझे हैरानी हुई कि लोगों को पता ही नहीं था कि पीआर कार्ड कट कराते हैं कुछ तो कमेंट्स ऐसे आए कि भाई इसको वो ही नहीं है बिल्कुल वैल्यू नहीं है पीआर कार्ड की पीआर कार्ड ही काट दिया इसने तो मैंने क्या बोला मैंने बोला कि भाई नहीं ये काटना पड़ता है इस बार of the mandatory requirement नहीं काटोगे तो सिटीजनशिप नहीं मिलेगी सो एनी वेज ये भी आपको बताना था कि ये भी काटना पड़ता है पीआर कार्ड आपको उनके सामने और फिर आपका जो सर्टिफिकेट है सिटीजनशिप सर्टिफिकेट वो आपके घर पे आ जाता है मेरा प्रोसेस चला था पूरा एक साल मतलब मुझे एक साल बाद सिटीजनशिप मिली है जब मैंने अप्लाई किया था अभी जो प्रोसेसिंग टाइम चल रहा है वो आप चेक कर सकते हैं वेबसाइट पे जाके मैं यहाँ पे डिस्प्ले कर देती हूँ इस पूरे प्रोसेस में जो खर्चा आता है इसकी जो फीस है सिंपल सिटीजनशिप अप्लाई करने की वो है सिक्स हंड्रेड एंड थर्टी डॉलर्स फाइव थर्टी एक चीज के हैं और हंड्रेड डॉलर अलग से हैं तो सिक्स थर्टी डॉलर्स आपके इसमें फीस लगती है तो इसके अलावा तो और कोई खर्चा नहीं आता आपका बायोमेट्रिक्स वगैरह सब कुछ हो जाता है और अब आ गई आपके पास सिटीजनशिप अब आपको मिल गया ये वाला पासपोर्ट जिसकी वर्ल्ड में रैंकिंग काफ़ी अच्छी है अब आपको वीजा लेने की जरूरत नहीं है बहुत सी कंट्रीज का 185 कंट्रीज हैं जहां पे आपको वीजा फ्री आप एंटर कर सकते हैं सो so ये बहुत ही स्ट्रांग वैल्यू होल्ड करता है और मैंने ये इसलिए लिया क्योंकि एक तो मुझे ट्रेवल करने का बहुत शौक है हरविंदर को मुझसे भी ज्यादा शौक है तो हमें था कि हम जैसे यूरोप जाते हैं या कहीं पर भी प्लान करते हैं यू डोंट हैव टू अप्लाई फॉर वीजा उसके बाद यूएस में भी इसकी बहुत वैल्यू है भाई हम अभी यूएस गए थे मैं न्यूयॉर्क गई थी हरविंदर और मैं और हरविंदर के पास तो अभी पी आर है मेरे पास सिटीजनशिप है तो मेरा बहुत ही स्मूथ प्रोसेस था इमिग्रेशन का और फिर जो पी आर होते हैं उनको भी फिर रोक रोकते हैं चेक करते हैं और उनका फीस वगैरह भी लगती है जब बॉर्डर क्रॉस करते हैं छह सात डॉलर ही लगे थे लेकिन फीस भी लगती है साइन वगैरह होते हैं तो ज्यादा मतलब क्वेश्चनिंग होती है जब आपके पास सिटीजनशिप पासपोर्ट वगैरह आ जाता है तो इतनी प्रॉब्लम आपको नहीं आती है और मुझे यूएस में काफी प्रॉब्लम आती थी पहले इस पासपोर्ट से क्योंकि नाम बहुत कॉमन है उसका भी बहुत प्रॉब्लम होता है और इंडियन uh, पासपोर्ट पता नहीं वो क्यों इतनी स्क्रूटनी करते हैं यूएस वाले आपको पता ही होगा तो अब थोड़ा सा मैंने चेंज देखा है तो एक ये रीजन भी है कि आपका जो इमिग्रेशन प्रोसेस है एयरपोर्ट पे वो काफी स्मूथ हो जाता है जब आप एक कनेडियन सिटीजन बन जाते हैं वोट आप डाल सकते हैं जो कि बहुत बड़ी चीज है मुझे ऐसे लगता है कि वोटिंग इज़ जस्ट लाइक अगर आप कनाडा में कंप्लेन करते हो ये चीज सही नहीं है वो चीज़ सही नहीं है वो हम तभी बोल सकते हैं अगर हमारे पास वोट डालने की भी ऑप्शन है कि हम सरकार को चेंज कर पाएं अपनी तरफ से कुछ तो कर पाए राइट सो तो वोटिंग बहुत बड़ी चीज है अब बात करते हैं पीआर कार्ड वर्सेस कैनेडा सिटीजनशिप सो इसमें जो कैनेडा का पासपोर्ट और पीआर कार्ड में यही फर्क है कि कैनेडा की जो पीआर है वो आपको मेंटेन करनी पड़ती है uh, हर पांच दस साल में आपको आपको अपनी रिन्यू करनी पड़ती है और रेजिडेंसी रिक्वायरमेंट्स मीट करनी पड़ती हैं सो so, अगर आपको अपना पी कार्ड रिन्यू कराना है तो आपको रेजिडेंसी मीट करनी ही पड़ेगी लेकिन अगर आपके पास पासपोर्ट है यू आर फ्री टू मूव आपके पास ज़रूरी नहीं है कि आपने कैनेडा में रहना ही रहना है इन ऑर्डर टू रिन्यू या फिर अपनी सिटीजनशिप आपको एक बार मिल गई मिल गई उसके बाद चाहे आप मूव कहीं तो भी कर जाओ, तो आप आराम से इंडिया मूव करना है यूएस मूव करना है दुबई मूव करना है बहुत से लोग दुबई चले जाते हैं टैक्सेस वहां पे नहीं लगते तो ये भी एक पाथवे होता है बहुत से लोग यूएस चले जाते हैं क्योंकि कनाडा का पासपोर्ट मिलना एक यूएस में एंट्री करने का एक डोरवे है तो वो भी बहुत से लोग यूज करते हैं सो काफी रस्ते खुल जाते हैं नेक्स्ट जो बेनिफिट है पी आर वर्सेज कैनेडियन पासपोर्ट होल्डर का वो ये है कि अगर कोई बंदा पी है अगर उनके जो किड्स हैं वो बॉर्न होते हैं आउटसाइड कैनेडा वो कनेडियन सिटीजनशिप ऑटोमेटिकली नहीं ले सकते वो सिटीजन नहीं बन पाएंगे लेकिन जो अगर आपके किड्स हैं आप कनेडियन सिटीजन ऑलरेडी हो मॉम और डैड में से कोई एक सिटीजन है और उनके जो आपके जो किड हैं वो बॉर्न होते हैं आउटसाइड कनाडा तो वो ऑटोमेटिकली उनको सिटीजनशिप मिल जाएगी सो so ये भी एक बहुत बड़ा बेनिफिट है कनेडियन सिटीजनशिप होने का नेक्स्ट जो बेनिफिट है वो है यू कैन लिव एनी इन द वर्ल्ड जैसे मैंने आपको बोला कि आपको कुछ मेंटेन करने की जरूरत नहीं है तो आप कहीं पे भी रुक सकते हैं उसके बाद आपकी गवर्नमेंट जॉब में

आपके पास है आप सिटीजन हैं हैं कनाडा के तभी आप पॉलिटिक्स वगैरह में एंटर कर सकते हैं। कर सकते अदरवाइज नहीं सकते इसके अलावा जो लोग पीआर पे हैं और वो सिटीजनशिप क्यों नहीं लेते उनके कुछ रीजंस है जैसे कि सबसे बड़ा रीजन ये होता है कि उनको बैक होम जाके सेटल होना है और कनाडा परमानेंटली नहीं रहना है सबसे बड़ा रीजन यही है और बैक होम में उनके पास है जमीन जायदाद तो ये भी एक फायदा होता है कि भाई वहां पे कुछ है तो ऑब्वियसली तो एन आर आई को एग्रीकल्चर लैंड ट्रांसफर व्रांसफर करने में कोई प्रॉब्लम ना आए तो वो लोग अपना पी आर स्टेटस ही रखते हैं जिनको वापस जाना है तो so यही कुछ सीनारी होते हैं जिसमें जो लोग हैं अपनी सिचुएशन के हिसाब से डिसाइड करते हैं कि भाई नहीं हमारे लिए पी आर बेटर है हम सिटीज़नशिप नहीं लेंगे और कुछ जो सीनारी हैं उनको लगता है कि भाई हमारे पास तो वहाँ पर हमने ना ज़मीन लेनी है तो हम कैनेडा में सेटल हैं तो बेटर है कि हम सिटीजनशिप ले लें क्योंकि यहाँ पे बहुत फायदा मिलता है उस चीज का सो so, यही दो डिफरेंसेस हैं और ये इंडिविजुअल जो बंदा है उसकी सिचुएशन पे डिपेंड करता है सिचुएशनशिप मैं बोलूंगी उस हिसाब से वो डिसाइड करते हैं कि उनको लेनी है कि नहीं बट ज्यादातर अगर आप ज्यादातर देखेंगे तो लोग सिटीजनशिप ले ही लेते हैं oh, ये थी इन्फॉर्मेशन रिलेटेड टू सिटीजनशिप अगर आप सिटीजनशिप के लिए अप्लाई कर रहे हैं या फिर आपको करना है इन फ्यूचर दिस वीडियो आई होप इसने आप, आपको हेल्प की होगी सो so, सारी रिक्वायरमेंट्स वगैरह जो प्रोसेस है वो सारी चीजें इसमें मैंशन है अगर आपको कोई भी क्वेश्चन है रिलेटेड टू दिस आप कॉमेंट्स में लिख सकते हैं आई ट्राई माई बेस्ट टू आंसर दिस और अगर आप कैनेडा आना चाहते हैं या फिर ऑलरेडी कैनेडा में है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें क्योंकि इस पर आपको अप टू डेट इन्फॉर्मेशन मिलती रहती है ऑलवेज सो प्लीज़ लाइक द वीडियो इफ यू फाउंड इट हेल्पफुल आप मुझे टिकटॉक इंस्टाग्राम और फेसबुक पे भी फॉलो कर सकते हैं मेरी आई है सैंडी टॉक्स कैनेडा वहाँ पर मैं जो कॉन्टेंट है वो जल्दी पोस्ट करती रहती हूँ क्योंकि शॉर्ट फॉर्म कॉन्टेंट होता है और इसके अलावा अगर आपको कोई भी क्वेश्चन है रिलेटेड टू स्टडी अब्रॉड करियर और लाइफ इन कैनेडा आप मेरे साथ वन ऑन वन कॉल भी बुक कर सकते हैं लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा दैट्स इट थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग गाइज मिलते हैं अगली वीडियो में टिल देन टेक Bye-bye. Okay.